एम्बुलेंसो के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में इस वक्त डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का संबोधन हो रहा है। एनर्जेटिक नौजवान साथियों, मैं आप सबका इस आयोजन में जोश और उत्साह के साथ पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज से 21 वर्ष पहले इंसो का जो पौधा हमने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर लगाया था, मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि आज वो पौधा अपने यौवन पर है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, उस वक्त के बहुत सारे साथी जो इंसो के स्थापना दिवस के अवसर पर मेरे साथ हुआ करते थे, आज पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में, प्रादेशिक संगठन में, युवा के संगठन में मौजूद है। और छात्र राजनीति से जो नौजवान पार्टी का दामन थामने का काम करते हैं, वो बहुत लंबे चलते हैं। इंसो ने जिस उम्मीद विश्वास के साथ ये पौधा लगाया था कि हम हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, देश के उन नौजवानों को जिनको दूसरे राजनीतिक दल अपने मकसद के लिए यूज करते हैं और जब मौका आता है तो फिर उनको कहते हैं कि तुम्हारा काम राजनीति करना नहीं है, तुम पढ़ाई करो। मैंने उस वक्त जब इस पौधे की स्थापना की थी तब कहा था हम उस मकसद से प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को राजनीति में लाने का काम नहीं करेंगे कि हम सिर्फ अपने मकसद का हल करें। हम उन नौजवानों को मौका देंगे कि वो छात्र राजनीति के साथ साथ बड़ी राजनीति में भी पद स्थापन करें, अपने योग्यता के बलबूते पर आगे बढ़ें, और जिनको और मौका कोई नहीं देता उनको हम मौका देकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपके सामने बहुत सारे ऐसे साथी मंच पर मौजूद हैं। मैं मंचासीन जननायक जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय सरदार निशान सिंह जी का, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिंदाबाद बड़े भाई डॉक्टर केसी भांगड़ जी का, हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और आपके नौजवान साथी अजीज दुष्यंत चौटाला का, आपके इंसो के रहे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला का, अब मौजूदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल जी का, हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लेतानी जी का, हमारे बरवाड़ा के विधायक भाई जोगीराम जी सिहाग का, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री अनूप धानक जी का, हमारे अमरजीत ढांडा जी विधायक जोलाना का, युवा के हमारे अध्यक्ष भाई रविंदर सांगवान जी का, महिला शाखा की अध्यक्षा शीला भांड जी का, युवा के हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप मेहरिया जी का, इंसो के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष अजय राव जी का, और पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों का भी मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज इन सब लोगों के सहयोग से
आपने ये आयोजन किया, अजीज दिग्विजय सिंह ने, इसकी टीम ने, प्रतीक के साथियों ने, प्रदीप देसवाल जी के साथियों ने, जो संघर्ष स्थल आप लोगों के लिए चुना, मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि वो बहुत छोटा पड़ गया। जितने लोग आप सामने मौजूद हो, इससे तो कहीं ज़्यादा लोग सड़कों पर है। आगे से हम इस तरह की व्यवस्था अव्यवस्था आप लोगों को नहीं होने देंगे, और समुचित व्यवस्था करने का मैं नौजवान साथियों से कहूँगा कि वो आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी और उमस का माहौल है। आप लंबे समय से यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बहुत सारी बातें आपके समक्ष रही है। मैं उन बातों को दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज से 4.5 वर्ष पहले जिस जननायक जनता पार्टी का गठन हमने किया था, उस वक्त लोग कहते थे ये तो छोरों की पार्टी है, कोई कहते थे ऐसे ही टोल इकट्ठा हो रखा है। परंतु आपने 4.5 वर्ष में ना केवल पार्टी के संगठन को धरातल तक पहुंचाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में उसको संगठन को खड़ा किया। उसी का परिणाम रहा कि आपके इस होनहार नौजवान दुष्यंत चौटाला ने जहां सब आपके सहयोग से 17.5% वोट हासिल किए, वहीं 10 विधायक अपने साथ चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लेकर के गया, और उन 10 विधायकों की बदौलत की राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। और जो लोग हमें छोरों की पार्टी कहते थे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप तो 100-100 साल पुरानी पार्टियां हैं, आपने 10 वर्ष में दिल्ली के सबसे नज़दीक प्रदेश है हरियाणा, आपके 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5-5 प्रभारी बदल गए, आज तक तो आप हरियाणा प्रदेश में अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए। रोजाना आपकी जूतियों में खीर बटती है, कभी तिगड़ी की चर्चा चलती है, कभी कांग्रेस के दूसरे लोगों की चर्चा चलती है। जो लोग अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए, वो किस मुंह से हरियाणा प्रदेश में और देश में सत्ता में आने के सपन संजोने का काम कर रहे हैं। यूपीए से नाम बदल करके इंडिया करने से कोई मकसद हल नहीं हो जाता, मकसद हल उन्हीं का होता है जो संघर्ष करते हैं, संघर्ष की राह पर चलते हैं, और मौका आने पर उस संघर्ष के बलबूते पर अपनी ताकत दिखाने का काम करते हैं। मंच से आज दिग्विजय और दूसरे साथियों ने कहा कि आपके प्रत्येक चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो, मैं कहूँगा कि इसके लिए आपको कोई भी संघर्ष करना पड़े, कदम पीछे मत हटाना, आप आगे बढ़ते रहो, ये नौजवान आपके साथ है, यही आपको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इस गर्मी और उमस के मौसम में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, मुझे ऐसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे फूल आपने भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी युवाओं की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे, जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, इन सौ की दी सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, ऐसे झुक नहीं दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां बजा करके भारत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डॉक्टर अजय चौटाला, 300 भारत माता की इंकलाब। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इनसो के इस स्थापना दिवस के मौके पर जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इनसो के युवाओं ने
पगड़ी मेरे सर पर रखी है, इसका मान सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने के लिए कदम पीछे नहीं हटाने हैं, और उससे पहले आपने तमाम जेजेपी के